Density of carbon atoms are 4. The hardest known substance diamond. देखिए नॉन मेटल की अगर बात करें, फिर मीथेन बर्न्स इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओजोन इज रिप्रेजेंटेड एज O3. फार्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3. फार्मूला ऑफ बोरिक एसिड H3PO4, यानी ऑप्शन ए. एसिडिक एसिड इज आयनाइज वीकली, ठीक है. फैट एंड ईस्टर्स कोलेस्ट्रॉल एंड अगला ऑप्शन क्या होगा यहाँ, फैटी एसिड्स. पीरियड टेम्परेचर ऑफ 973 केल्विन इज इक्वल टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड. यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी दो डेंसिटीज का रेशियो होता है, तो यूनिट कहाँ से आ जाएगा, नन ऑफ दीस. नेम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज टू मेजर विस्कोसिटी. देखिए विस्कोमीटर से भी होता है और ऑस्वर्ल्ड प्रोसेस से होता है, तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नन ऑफ दीस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं होता. फार्मूला ऑफ एसीटाल्डिहाइड, बेटा देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, तो इस स्ट्रक्चर के तहत C2H4O परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 21.6% कैरेट गोल्ड, ज़ाहिर 21.6 होगी. pH वैल्यू ऑफ 7 सिग्निफिकेंट न्यूट्रल. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, देखो बेटा एलिमेंट की बात आए तो ऑक्सीजन, सॉलिड की बात आए तो सिलिकॉन, और मेटल पूछें तो अल्मोनियम. मौजूदा सूरत में आंसर ऑक्सीजन. लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, ट्रिपल में तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ठीक है अच्छो. फिर 19.6 H2SO4 की मॉलरिटी है, इसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं, तो बेटा हाइड्रोजन की तादाद से मल्टीप्लाई कर दो, 39.2 हो जाएगा. स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है SROH2, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर.